चंडीगढ़ में कल मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए जो है मतदान होना है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुभाष चावला जी। सुभाष चावला फिलहाल AICC के जो हैं सदस्य हैं और दो बार चंडीगढ़ से मेयर रह चुके हैं। सुभाष चावला जी, क्या लगता है किस तरह का जो है कल जो रिजल्ट देखने को मिलेगा? देखिए, ये आम चुनाव तो नहीं है कि जनता ने सीधा वोट डाल के मेयर चुनना है। ये तो विद इन द हाउस जो पार्टी की अपनी अपनी ताकत होती है उसी के हिसाब से काउंसलर वोट डालते हैं। और इस वक्त जो पक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा भारी है, उनके 20 पार्षद हैं और हमारे 5 हैं, क्योंकि जनता ने हमें एक ड्यूटी दी है विपक्ष में बैठने की, और विपक्षी दल होने के नाते ये हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करें। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह इस बार नॉमिनेशन भरने के दिन BJP में बगावत हुई, एक पार्षद ने नॉमिनेशन भर दिया और दूसरा पार्षद बहुत गंभीर आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ तक कह के चला गया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ हर पदों से, उससे बस ये एक आशा है कि कुछ लोग, नाराज़ लोग जो हैं वो कांग्रेस को वोट दे सकते हैं। इससे ज़्यादा तो आज मैं कहने की बहुत स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद और हमारी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है कि कोई ऐसा तोड़फोड़ किसी दूसरी पार्टी में ना किया जाए जो भारतीय जनता पार्टी आजकल पूरे देश में कर रही है। लोग इसको पसंद नहीं करते कि किसी को खरीदो फरोख्त की जाए, ये किया जाए। और जैसे मैंने पहले कहा, हम 5 हैं। अब BJP में भगदड़ मची हुई है आज। चाहिए तो ये होता है कि जब कोई बहुत नज़दीक मुकाबला हो 1-2 वोटों का, तो फिर ऐसी मीटिंगों की ज़रूरत पड़ती है। कल उनकी लंच मीटिंग, आज फिर डिनर मीटिंग तय रखी हुई है रात को, उनके प्रभारी आ रहे हैं। तो मुझे नहीं कारण समझ आता था कि इतनी बड़े 20 पार्षदों वाली पार्टी में भगदड़ क्यों मची हुई है। तो लगता है कि उनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, या उन्होंने कैंडिडेट ठीक नहीं चुने, या एक ये भी लग रहा था इस बार कि 6-7 उनके कैंडिडेट बने हुए हैं कि मेयर के लिए, तो शायद उनको ये घबराहट हो गई कहीं हर आदमी वोट कोई खिलाफ ना कर दे। तो आज की स्थिति तो मैं यही कह सकता हूँ। पार्षद तो आपके पास 5 है, लेकिन जीतोगे कैसे, क्या लगता है? देखिए, लोकतंत्र के अंदर मैंने पहले कहा कि हर काम राजनीति जीतने और हारने के लिए नहीं की जाती। जो जनता ने हमें ड्यूटी दी है, 5 का पार्षद हमारे विपक्ष में बैठने के लिए दी है, और हमारा एक काम है कि जो सत्ताधारी दल है उसमें क्या कमियां हैं, वो कमियों को हम लोगों तक लेके जाएं। और ये चुनाव लड़ना भी एक संकेत है इस बात का कि हम भारतीय जनता पार्टी का जो पिछला रवैया रहा है 4 साल का, उसका हम विरोध कर रहे हैं। और विरोध वो एक टाइम होता है, और आज भी हम दिखाना चाह रहे हैं कि आपने जो वादे किए थे 4-5 साल पहले, आपने एक भी पूरा नहीं किया। और उसके उलट क्या किया, कोई ऐसा टैक्स नहीं छोड़ा जो जनता पर नहीं लगाया। जो हाउस टैक्स 1 रुपया गज के हिसाब से एक घर पे लगता था, आपने उसको 15 रुपये कर दिया। जो सीवरेज सेस सिर्फ 10 रुपये लगता था, वो आपने 300-400 रुपये तक उसको बढ़ा दिया। और सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी अभी पिछले साल ही 19 में, वो पानी की रेट थी, 3 गुना रेट, कभी सुना है आज तक? और वो भी कोरोना काल में, एक तरफ कोरोना चल रहा हो, जबकि दूसरी यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की है, जम्मू कश्मीर अभी बनी है, वहाँ 50% पानी और बिजली में रिबेट दी है उन्होंने, और यहाँ 300% और पानी बढ़ा दिया। तो ये इन बातों को लोग समझे कि हम उनका क्यों विरोध कर रहे हैं। ये मालूम है हमें कि हमने जीत या हार क्या होनी है, मुझे नहीं पता अभी कि लोग कितने उनसे नाराज़ हैं, और हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा हमें वोट डाल दें, हमारा मेयर बन भी जाए। पर मैं जो कह रहा हूँ कि हम विरोध उनका इन नीतियों के खिलाफ कर रहे हैं, और जनता को संदेश देना चाहते हैं कि जो ड्यूटी आपने हमें दी थी कम चुन के, वो हम ईमानदारी से निभा रहे हैं और इनका विरोध कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कई समस्याएं हैं, अगर आपका मेयर बनता है, ये सब समस्याओं का हल होएगा? मैं आपके चैनल द्वारा ये वादा कर सकता हूँ कि अगर हमारा मेयर 8 तारीख को बन जाता है, तो पहली मीटिंग में हम पानी के रेट कम करने का प्रस्ताव लेके आएंगे, और इनको मजबूर करेंगे प्रशासन को कि पानी के रेट कम किए जाएं। दूसरा सबसे बड़ा मसला है जो आज चंडीगढ़ की जनता परेशान है, वो है घर घर से कूड़ा उठाने की। गाड़ियाँ भी आ रही हैं और वो दूसरे भी आ रहे हैं जो कलेक्टर्स हैं, और कुछ लोग हड़ताल पे भी बैठे हैं, 3 तरह के हुए हैं। ये 2 मसले जनता को परेशान कर रहे हैं, और अगर हमारा मेयर चुना जाता है, आप इस बात की दुआ करें, तो हम ये 2-3 मसले तो पहली मीटिंग में ही ख़त्म करेंगे। जो चीज़ हम कह रहे हैं, पानी का आप मानते हैं, इतनी ज़रूरत नहीं थी बढ़ाने की,
अगर ये अपने खर्चे कम कर लें, अपना भ्रष्टाचार कम कर लें, जो आज कभी हमने कभी नहीं सुना था कि चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इतना बड़ा भ्रष्टाचार फैल जाएगा। ऐसी ऐसी कंपनियों को काम दे दिया जो काम 10 करोड़ में कॉरपोरेशन कर रही थी, अब 50-50 करोड़ रुपया उनको साल का दिया जा रहा है। जो पाइपलाइन 100-150 करोड़ में बनने वाली थी, आज वो 300 करोड़ में भी बन गई और अभी 24 घंटे पानी की सप्लाई शहर में शुरू नहीं हुई। ये चीज़ें बजाय उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी चेक रखती, इन्होंने वहाँ तो उनके साथ मिल गए भ्रष्टाचार में काउंसलर, और लोगों पर उन पर बोझ डाल रहे हैं। ये चीज़ें हम बिल्कुल वापस करेंगे। पानी के रेट तो मैं कह सकता हूँ कि पहले दिन ही हम इस बात का करेंगे कि पानी के रेट वापस किए जाएँ, जो पहले रेट थे वही लाए जाएँ। एक बात हो रहा है, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जो उनके पार्षद रूठे हुए हैं उनको सबको मना लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, वैसे तो ये उनका अंदरूनी मामला है, पर मैं समझता हूँ कि जब शीशे में दरार पड़ जाती है तो उसको जोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो जो दरारें पड़ चुकी हैं, जो बातें सामने आ गई हैं, जो जनता ने तमाशा देखना था बीजेपी ने देख लिया, जो बीजेपी का तमाशा देखा है लोगों ने देख लिया कि वो इतना बहुमत होते हुए भी अपने पार्षदों को नहीं संभाल पाए या कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं कर पाए। अब क्या आरोप लगाए उन्होंने? चंद्रावता जी ने यही कहा कि हमें पूर्वांचल और उत्तराखंड वालों को ये दरियाँ बिछाने के लिए रखते हैं, तो क्या अच्छा होता किसी एक पोस्ट पे उनको दे देते? वो क्या मांग रहे थे? मिसेस शुक्ला सिर्फ मुझे पता लगा कि वो डिप्टी मेयर के लिए कह रहे थे, अब दे देते उनको, हमने तो मना नहीं किया था। तो अगर आप बेइंसाफी पार्टी के अंदर ही करेंगे, लोगों से तो आप कर ही रहे हैं, चलो लोग तो दुखी कर ही रहे हैं, अपनी पार्टी के अंदर तो तालमेल बिठाना उनका अपना काम है, वो तो कांग्रेस का नहीं है, कांग्रेस का तो कोई रोल नहीं है उसमें। तो अब दावे करते रहे, ये कल पता लग जाएगा कितना रूठे और कितना मने हैं। घड़ी और मोबाइल ना ले जाने की मांग की थी कांग्रेस ने, इस पर क्या फैसला है? देखिए, घड़ी मोबाइल इसलिए हमने मांग की थी, आज ही हम डिप्टी कमिश्नर से मिले थे और उन्होंने हमारी बात को जायज़ माना। एक्ट के अंदर या तो आप बिल्कुल शो ऑफ हैंड करें कि बाहर खुला हाउस हो और हाथ खड़े करवा के आप उसका करें, या फिर अगर सीक्रेसी है तो सीक्रेसी मेंटेन रहनी चाहिए, ये नहीं पता लगना चाहिए कि किसने किसको वोट डाली। कई बार आगे हुआ है, इन्होंने मतलब कांग्रेस के टाइम में भी हुआ कि जी काउंसलर पे शक हो जाए मोबाइल लेके जाओ, ये लोकतंत्र में एक भावना के खिलाफ है कि हम जाएं और फिर जाके पार्टी का इतना डंडा हो कि हम फोटो खींच के दिखाएं, देखो जी मैं वोट डाल के आया, तो इसका मतलब एक दूसरे पे विश्वास ख़त्म हो चुका है ना। तो हमने यही कहा है कि सीक्रेसी है और जो एक्ट के मुताबिक प्रावधान है उसकी वायलेशन ना हो। तो ये थे हमारे साथ सुभाष चावला, अब देखना होगा कल किसकी जीत होती है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ में अक्षय जाधव, राष्ट्रीय खबर टीवी, चंडीगढ़।